अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उद्घाटन के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हालांकि राम मंदिर की इस प्राण प्रतिष्ठा से हिंदू धर्म के सबसे बड़े 4 शंकराचार्य समेत तमाम लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसकी वजह है मंदिर का काम पूरा होने से पहले इसकी प्राण प्रतिष्ठा का होना और बीजेपी का राम मंदिर को एक चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना। इसी बीच नाराजगी की इस लिस्ट में निर्मोही अखाड़ा भी शामिल हो गया है। निर्मोही अखाड़े ने एक बात पर अपनी असंतुष्टि जाहिर की है। निर्मोही अखाड़ा की तरफ से कहा गया है कि उसे राम मंदिर के उद्घाटन या प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इसके लिए अपनाई जा रही पूजा पद्धति से खुश नहीं है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक निर्मोही अखाड़ा ने रामलला की पूजा अर्चना के प्रोसेस को लेकर अपनी नाखुशी जाहिर की है। निर्मोही अखाड़ा का कहना है कि पूजा अर्चना की जो पद्धति अपनाई गई है वो विशुद्ध रामानंदीय परंपरा ना होकर मिली जुली पद्धति है, जो कि ठीक नहीं है। अखाड़े के मुताबिक पिछले 500 साल से ज्यादा समय से रामानंदीय परंपरा से रामलला की पूजा होती आई है, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है। निर्मोही अखाड़ा के महंत और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत देवेंद्र दास का कहना है कि रामानंदीय परंपरा में भगवान की सेवा और उनकी पूजा का तरीका अलग तरह का होता है। इस परंपरा में तिलक और मंदिर में बनाए जाने वाले चिन्ह बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। निर्मोही अखाड़े के मुताबिक जिस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, अखाड़े की तरफ से अपील की गई थी कि उसे भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंदिर के प्रबंधन के लिए जो ट्रस्ट जिम्मेदार होगा वो चाहे तो निर्मोही अखाड़े को पूजा का अधिकार दे सकता है। महंत देवेंद्र दास का कहना है कि निर्मोही अखाड़ा चाहता है सदियों से पूजा की जो परंपरा चली आ रही है उसी को आगे जारी रखा जाए, लेकिन ट्रस्ट हमारी बात नहीं मान रहा है। उन्होंने कहा कि निर्मोही अखाड़ा के लोग 22 जनवरी के समारोह में शामिल जरूर होंगे, लेकिन उनके मन में पूजा पद्धति को लेकर एक कसक जरूर है। बता दें कि निर्मोही अखाड़ा एक हिंदू धार्मिक संप्रदाय है। इसकी स्थापना रामानंदाचार्य ने की थी। रामानंदा ने राम से जुड़ी शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार किया। रामानंद के बताए तरीकों से राम की सेवा पूजा और अनुष्ठान की दीक्षा लेने वालों को रामानंदीय वैष्णव कहा जाता है। रामानंदीय वैष्णव राम के अनुयायी होते हैं। हालांकि कोई नाराज हो या ना हो उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मकसद है लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर का उद्घाटन होना, जो होकर रहेगा। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।